انسان طالب ماشي
जिसमलाइने अदुनिया रे अंदर आवे लाजने ये हर पल ने हर घड़ी हमें गुनाह करिए तो तारी बार का हमारे की मौलाना आदम सफी उल्लाह अलैहि सलाम ने अल्लाह की बार का दुआ की ताबतुल्लाह ने तवाफ देनी रब पाला दरिंदा ने दुआ की कुरान करीम में आयत मौजूद छे सूरतुल आराफ में घनिया हो जाए घनिया हो जाए कह रहा कुरान तारे सिवाय कौन मारो रब छे तारे सिवाय कौन मारो पालन हार ने परवरदिगार छे कोने नजदीक आ आदम सर झुकावे दुआ कबूल थे अल्लाह ताला ने दोबारा मौलाना आदम ने मगफरत के रहमत ना दामन में समा हमारो दुनिया में आवाज और चक्कर रहे नहीं कि हमारा गुनाह हो चुके ने मंजर वाले इन्हें साफ करवा वास्ते हमारा अमल नामा ने शफाफ ने पाकीज़ा करवा वास्ते तैये वो ताहिर करना हुआ वास्ते आमने आमने दिया वो दुनिया में जिमावा एक सफर सफरी सफर करे तो उसको तैयार करे नहीं तो कोई फायदा हासिल ना करे सफर को करना तो इनो सफर रहेगा तो जाने चाहिए एक गुजर आ हमारो दुनिया का सफर छे क्या दुनिया ना सफर करीने हमें कोई नफसानी रूहानी फायदो हासिल न की दो रूहानी दर्जा न चढ़ा अम्बेरा अवसाना सुराना अल्लाह ताला ने हमें न समावा तो हमारा दुनिया का आवार और सफर जाये नहीं जा इतने हमें इबादत करी इना सब हमें नमाज पढ़ी इना सब हमें वसीला हो लेंगे इना सब हमें सत्ता के अंदर अल्लाह ने पारगा के अंदर काला वाला करी ने रोई ने हमारा गुनाह को एतराब करी ने हमें तौबा करी तो इन मुहिम फैलना शहाबुद्दीन साहब ना उसने महमूद वाले सैयदना फखरुद्दीन साहब के लिए इतना रिश्मा दाढ़ी मुटना मैं अपनी दावत को मुंचत सैयदना शेख अली साहब ने बात 51 साल की काफी मुंचत आप ऐ मोमिन शबाब ना आलम मां जवानी ना आलम मां 24 साल की उम्र मां तख्त तैयबी पर जलवा नुमा मैं आपने एक चीज की भी खबर थी कि सैयदना फखरुद्दीन साहब ना जमान मां जे वक्त हज पर पधारा ते वक्त इमाम जमान तरफ से एक कासिद आवा पैगाम लेने कागज आपे लीजो आपे पढ़ो आप हरम में बेसे रहे वतन में जिवारे पधारा 1301 हिजरी में आज से 139 वर्ष पहला वतन में पधारा आप संदूक कोई ने जोई तो एक कागज मुझे गायब कर दिया अब आते हो गुजरे लोग सैयदना बलूचिस्तान साहब घनी वक्त बयान नहीं करे हमारा अलमरदों का मुकद्दस बाबा जी साहब फरमाए अपनी आवाज में क्योंकि आपका उस्ताद सैयदना बलूचिस्तान साहब देवली कुमार अक्कर जे जिंदगी पड़ा तो आसे गुरु तकर जन्नत पांडर खाट छे एक खाट पर सैयदना बदरुद्दीन साहब कैसी ने मुकद्दस कोमा का सबक आता था नहीं मुमिनी जे वक्त सैयदना तैयब जियाउद्दीन साहब रबीउल अव्वल महीनों 436 हिजरी दारुसलाम में आप पढ़ी गए ने पंद्रह सदमों से हो हॉस्पिटल में ऑपरेशन से हो अल्लाह ताला ने आपने शिफा आप दारुसलाम में आप रबीउल अव्वल महीना से लेके शाबान और करीम महीना पहला हफ्ता तक अल्लाह ताला ने आपकी थका दूर की आपकी जिंदगी दूर गई इधर रहना बीस हुआ वक्त क्योंकि एक छेला महीना अपना बेटा हासिल बाबूजी साहब परसों गुजर चुकी
અને નજરને સામી થઈ દીધી રબીઉ લોકો છે કે શાબાલ કરી શકે બેશુમાર વખત મગરીબના વખત જ્યારે નમાઝ પડે ત્યાં આઈ મુઈને ડિસ્ટર્બ કર દો કે ક્યાં કુફી હો ના સકતા ઓપરેશન ના સબબ ભાઈ મુઈને બારહ ફરમાવતા હતા કે તમે મને ઇમામ સમાની હઝરત પાસે સુધા લઈ આવા પાછા મેં તો થઈ ચૂકેલો આખું મરહો કે કોઈ ઉમ્મીદ નહોતી ઓપરેશન બાદ જે હાલતમાં ઓપરેશન થઈ ગયું કોઈ ઉમ્મીદ નહોતી એની ઉમ્મીદ પણ આપ શું કે મગરબનો વખત કે આપ મને ઇમામ સમાની હઝરતમાંથી પાછો સુધા લઈ આવ્યા મેં ઇમામ સમાની કહ્યું મને લેવા આવે મગરીબે આપ ફરમાવતા દારૂ સલામ થયા ને જે વખત તાવ દેહ પડી ગયો તીસરી શાબાન ની વાત કરું તીસરી ચોથી શાબાન એના દરમિયાન મગરીબ નો વખત બુખાર ન આવે તો આ કે મને હોસ્પિટલ ના લઈ જાય શું કે આ હોસ્પિટલ ના લઈ જાય તો બે હાથ આપતા ગુસલ સિંહ ઊંચા હતા ગુસલ સિંહ આસમાન તરફ હાથ જોતા હતા કેમ કે આપને એમ મુમેની દારૂ સલામ ને બહાર જે કમ્પાઉન્ડ છે ત્યાં સુધવાની આદત હતી કેમ કે આપની ઘરની બહાર શું થાય એટલે પંખો ચાલતો હતો આપને એસી આપને ચાલતો હતું તો ખુલ્લામાં આપ સુતા હતા વાયુ મુમેની મગરીબ ની નમાઝ બાદ જમીન જમીન ને આગળ બે હાથ ઊંચા કરીને ફરમાવું કે મને તમે હોસ્પિટલ માં લઈ જાઓ ઇમામ નું સમાજ તરફ હું આવું આવે ત્રણ ચાર એ પછી એ મુમેની બાપરો બોલો ને આ